Hello aspirants, this is Yash and welcome back to Accessibility Point. So what we did in the last session, we completed auxiliary verb. But some verbs are remaining that are also auxiliary verb and that are modal verbs. Right? So aaj ki session mein we are going to begin with a modal verb. Okay, so modal verb bhi jo hoti hai, wo ek tarah ki auxiliary verb bhi hoti hai. So we are going to learn about these verbs and how they work, how they function in grammar, we will be saying it. Okay, so without wasting any time, let us start guys. चलिए इनको देखो, मैंने लिख भी रखा है मॉडल ऑक्सिलरी. अच्छा यहाँ पे पिंक कलर वुड बी मोर सूटेबल है ना, क्योंकि फॉन्ट भी पिंक है. तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मॉडल ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी का मतलब मैंने इन द लास्ट सेशन आई टोल्ड यू कि भाई ऑक्सिलरी का मतलब होता है लाइक व्हेन समबडी हेल्प्स, है ना, हेल्पिंग. तो मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की ना स्टेटमेंट. वो डेफिनेशन दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ. वाई? बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन इट मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस सेशन. तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज कैन. अच्छा ये जो कैन कुड बी माइट सुना होगा बहुत बार, बिकॉज ये स्पीकिंग में भी बहुत बार यूज होता है. एंड स्पीकिंग में इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश तो आपको पता है कि टेंसेज और मॉडल वर्ब्स के बिना बेकार है, मतलब हो ही नहीं सकता है, स्पीकिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज इनका ही यूज होता है बार बार स्पीकिंग में, है ना. तो ग्रामर में भी इनका बहुत ही वंडरफुल यूज है. सो द सेम वी आर गोइंग टू सी. तो सबसे पहले हम करेंगे कैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये मॉडल वर्ब होती है ये ऑक्सिलरी वर्ब क्यों होती है, क्योंकि इनका एक रूल होता है, इन सबका एक रूल होता है. मैं बता देता हूँ क्या होता है. आपको पता है सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई भी मॉडल वर्ब का यूज कर लो, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, यानी कि बेस फॉर्म आती है. क्या आती है? बेस फॉर्म आती है. देन उसके बाद आगे सेंटेंस कंटिन्यू करता है, ठीक है, क्या करता है, आगे सेंटेंस कंटिन्यू करता है. तो अब इसको आपको क्या ध्यान रखना है, जो जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए होती हैं क्योंकि उनका रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगी वो हेल्प करेगी किसी भी दूसरी वर्ब की विच इज इन दी फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म में होनी चाहिए. तो रूल यह कहता है कि अगर मॉडल वर्ब किसी सेंटेंस में आती है तो उसके साथ एक दूसरी वर्ब होनी जरूरी है, बिकॉज मॉडल वर्ब जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब अकेले काम नहीं करती है, इट हेल्प्स टुगेदर विद द मेन वर्ब, है ना, जो प्रिंसिपल वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर. तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मॉडल वर्ब होती है जिस भी मेन वर्ब के साथ में होती है वो केवल एक ही फॉर्म में होगी, बेस फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म. जैसे हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ऐसी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इस बात को ध्यान रखना है ऑल टाइम. इट अप्लाइज टू ईच मॉडल वर्ब इन ग्रामर, ठीक है, जितनी भी मॉडल वर्ब है, मे, माइट, कुड, ऑट, ठीक है, सबके साथ यही रूल अप्लाई होगा, ठीक है. कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मॉडल वर्ब की तरह होते हैं, उनके बाद प्रपोजिशन टू आ जाती है, जैसे ऑट टू, यूज टू, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. उनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन उनमें प्रपोजिशन टू भी ऐड हो जाता है, पर वो हम देखेंगे धीरे धीरे. तो जो मॉडल वर्ब के जो सेशंस होने वाले हैं बहुत लंबे होने वाले हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मॉडल वर्ब्स, है ना, बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती है एंड इनके रूल्स तो सिंपल ही होते हैं, बट इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं, ठीक है, एंड यू कैन नॉट अवॉइड, ठीक है, आपको ये पढ़ना ही है, बिकॉज होता ना कभी कभार कंसेप्ट में कुछ आप इग्नोर करने का सबका प्लान होता है कि मैं इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मॉडल वर्ब को आप कैन नॉट इग्नोर, यू कैन नॉट इग्नोर. वाई? बिकॉज इट इज मैंडेटोरी. चलो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कैन की. कैन के बारे में आपको बताइए, कैन क्यों यूज करते हैं, है ना, कैन यूज करते हैं, अब यूज करते हैं जब अबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो. तो जैसे आपको जितने ही यूजेस आज तक पता है कैन के, व्हेन यू स्पीक, ठीक है, तो और ही हम क्या करेंगे, और पढ़ेंगे रूल्स, मतलब इसके जो यूजेस होते हैं कैन के, और वो भी एग्जिस्ट करते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. तो एक तरह का क्या है, आपका भी रिविजन हो जाएगा, ठीक है, कैन के बारे में पढ़ने के लिए. तो कैन एक तरह की मॉडल वर्ब है, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं. मॉडल कैन इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, ये केवल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, ठीक है, कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होगी, इस बात का ध्यान रखना, लाइक इन द प्रेजेंट सिनेरियो. उसके बाद समटाइम्स इट इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम, कभी कभार ही फ्यूचर भी दिखाती है, लेकिन पास्ट कभी नहीं दिखाएगी. पास्ट के लिए अलग मॉडल वर्ब है, लेकिन जो प्रेजेंट है, और कभी कभार फ्यूचर के लिए कैन का यूज हुआ है. कैन आप पास्ट में कभी यूज नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना. और मॉडल कैन एक्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, जो मॉडल कैन होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट करती है. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना. तो ये जो ये वाला पॉइंट है इसको अभी इग्नोर कर दो, बिकॉज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ ज्यादा आगे ले जाके कंसेप्ट में. अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है. तो चलो, तो पहली स्लाइड क्या कहती है, यूजेस की, ठीक है, मतलब यूजेस की पहली स्लाइड. अब हम मॉडल वर्ब के बारे में यूज में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके जितने भी यूजेस होते हैं, रूल वही सेम है. रूल मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में, ठीक है, इस वाली स्लाइड में लिख के बता दिया है कि रूल क्या होता है, सब्जेक्ट देन मॉडल वर्ब, कोई भी, सभी मॉडल वर्ब्स पे एक ही रूल अप्लाई होता है, ठीक है, अगर इसके बीच में हैव ना आए तो, ठीक है, कभी कभार हैव आ जाता है तो आपको पता है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन
सिंपल जो रूल है वो यही है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। पहला यूज इसका क्या कहता है, इसका यूज पहला कहता है टू एक्सप्रेस बॉडीली और मेंटल अबिलिटी और इनअबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, जब आपको क्षमता बतानी हो, ताकत बतानी हो, ठीक है, कैपेसिटी बतानी हो, किसकी, बॉडीली मतलब फिजिकली और मेंटल, है ना, मेंटली अबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है, तो उस केस में आप कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज वी विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स एंड देन यू विल बी क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल, ही कैन रन 10 किलोमीटर्स अ डे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ही कैन रन 10 किलोमीटर्स अ डे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉडीली अबिलिटी को बता रहा है। कैसे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो जो है 10 किलोमीटर एक दिन में भाग सकता है। ठीक है, तो बॉडीली मतलब उसकी फिजिक, उस फिजिकल एबिलिटी का पता लग गया, तो यही है। तो मतलब अगर आपको अपनी बॉडीली पावर को दिखाना है, बॉडीली क्षमता स्ट्रेंथ को दिखाना है, तो आप कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में। इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि वो भाग सकता था, इसका मतलब वो भाग सकता है। और आपको पता है कि भाई सकना ये क्या हो गया, इंडिकेशन हो गई हिंदी वाली, किसके लिए, कैन के लिए। तो पहला एग्जाम्पल, आई होप यू गॉट टू नो कि भाई कैन यूज होता है प्रेजेंट टाइम में, आपको दिखाना है बॉडीली, सॉरी हाँ सही तो बोला ना, बॉडीली अबिलिटी या मेंटल अबिलिटी। मेंटल अबिलिटी अबिलिटी का कोई एग्जाम्पल जैसे ये रहा, दे कैन थिंक ऑफ फॉर्मिंग अ वैक्सीन ऑफ कोविड-19, कि भाई वो सोच सकते हैं, मतलब पहले क्या था, जब ये आया था तो किसी को पता नहीं था हाउ टू मेक अ वैक्सीन और कोई इसका क्योर नहीं था, लेकिन सोचा होगा जब, तो सोच सकना भी क्या है, एक तरह का मेंटल अबिलिटी है। ठीक है, कि भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम वैक्सीन बना सकते हैं, तो ये किस पर प्रभाव डाल रहा है, ये मेंटल अबिलिटी प्रभाव डाल रहा है, सो दैट यू कैन यूज कैन। चलिए सेकंड, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे अगर आपको बॉक्स को लिफ्ट करना है तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ यूज होगी, स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है, आपकी बॉडी से, तो बॉडीली अबिलिटी हो गई, उसका एग्जाम्पल हो गया, क्या ये तुम बॉक्स उठा सकते हो। चलिए लास्ट, आई कैन थिंक ऑफ बींग लेजी, ठीक है, सॉरी आई कैन नॉट थिंक ऑफ बींग लेजी, इसका मतलब क्या हो गया, कि भाई मैं आलसी होने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, या आलसी होने का सोच भी नहीं सकता हूँ, है ना। सोचना किससे रिलेटेड है, आपके माइंड से, तो इट बिकम्स अ मेंटल अबिलिटी, इट रिलेट्स टू, इट बिलोंग्स टू अ मेंटल अबिलिटी, है ना। तो पहला जो यूज है कैन का, वो ये बताता है कि आप प्रेजेंट टाइम में अगर आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी स्ट्रेंथ विच इज रिलेटेड टू योर बॉडी, तो आप कैन का यूज करोगे, या कोई मेंटल अबिलिटी को आपको शो करना है, एक्सप्रेस करना है, तो आप कैन का यूज करोगे, लेकिन सब कुछ प्रेजेंट में होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट यूज, टू इंडिकेट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता, है ना, किस चीज की क्षमता। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि भाई एक बार में 6 रोटी खा सकता हूँ, तो ये मेरी कैपेसिटी हो गई, है ना, मेरे स्टमक की कैपेसिटी हो गई, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी हो गई। तो इसलिए आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। जैसे जैक कैन सिंग अ डांस, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डांस नहीं आएगा, यहाँ पे सॉन्ग आएगा, ठीक है, सॉन्ग, जैक कैन सिंग अ सॉन्ग टुगेदर, तो ये डांस गलत है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा पता है यहाँ पे क्या आना था, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। यहाँ पे उसकी क्षमता बताई जा रही है किसकी, जैक की, ये है एंड, ठीक है, ए नहीं है वो, जैक कैन सिंग एंड डांस टुगेदर, इसका मतलब ये है कि बंदे में इतनी कैपेसिटी है जैक के अंदर कि वो नाचना और गाना दोनों साथ कर सकता है, मतलब गा भी सकता है एक साथ, नाच भी सकता है, तो इसमें कैपेसिटी की जरूरत है ना, तो इसलिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ही कैन ड्रिंक 10 ग्लासेस ऑफ वाटर विदाउट अ ब्रेक, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो बिना ब्रेक के कॉन्टिन्यूसली 10 ग्लासेस पानी के पी सकता है ना, तो इसमें क्षमता की जरूरत है, जैसे मैं 2 पी सकता हूँ, कोई 3 पी सकता है, कोई 4 पी सकता है, कैपेसिटी की जरूरत है, इसमें तुम्हारा बॉडीली अबिलिटी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कुछ करने की, तो वही आप शो कर सकते हो कैन के मदद से। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है नेक्स्ट, टू शो दैट समथिंग इज प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबल का मतलब हो गया संभव, अगर कोई चीज संभव है, अगर संभव है तो कैन की मदद से आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, इट कैन बी रोज, ठीक है, एक्चुअली में पता नहीं है कि वो सच में रोज है, मैंने बोला इट कैन बी रोज, मैंने ये नहीं बोला शी इज रोज, है ना, तो इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। प्रोबेबिलिटी बताएगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब श्योरिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, है ना, तो संभावना हो सकती है कि वो रोज हो सकती है। She has black eyes and she wears glasses. यानी कि जो रोज है वो भी, उसकी भी काली आंखें हैं और वो क्या पहनती है, ग्लासेस पहनती है, तो हो सकता है कि मैंने जिसको देखा है वो रोज हो सकती है, संभावना है, संभव हो सकता है, बट आई डू नॉट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो संभवता दिखाने के लिए आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे, बट प्रेजेंट में, मैंने लिख रखा है ना प्रेजेंट में,
पास्ट की बात नहीं करोगे, पास्ट के लिए अलग मॉडल वर्ब है। चलिए नेक्स्ट, टू आस्क परमिशन, और यहाँ पे क्या लगा लो, गिव परमिशन। ठीक है, यानी कि परमिशन लेना और देना दोनों के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। लाइक फ्रेंडली रिक्वेस्ट में समबडी आस्क मी कि भाई मेरा दोस्त है, उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे अपनी बाइक दे सकता है। ठीक है, तो वो किसका यूज करेगा, कैन का यूज करेगा। आपको पता है जब भी आप स्कूल में जाते थे और क्लास में एंटर करते थे, तो यू यूज टू आस्क योर टीचर, कैन आई कम इन, ऐसे बोलते थे, या मे आई कम इन ऐसे बोलते थे, मे आई कम इन बोलते थे। वाई, बिकॉज मे यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन कैन जो यूज होता है वो फ्रेंडली या फ्रेंकली, आप किसी से कुछ मांग रहे हो या फिर फ्रेंकली या फ्रेंडली बिहेवियर है आपका किसी के साथ, तो आप उसको परमिशन दे रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे, मे का यूज नहीं करोगे। तो वही मैंने बता रखा है, जैसे मेरे समवन, तो मैं उससे बोल सकता हूँ यू कैन लीव नाउ, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो परमिशन लेना या देना कैन का यूज करोगे, लेकिन फॉर्मल नहीं होता है। फॉर्मल मतलब लाइक ऑफिसेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इसमें आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। शी कैन मीट द मैनेजर, वो मैनेजर से बात कर सकती है या मिल सकती है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाउ एवर इन द यूज ऑफ आस्किंग परमिशन, देखो जब भी हम परमिशन आस्क करते हैं वो अपने दोस्त से तो मांगेंगे नहीं, अब दोस्त से तो आप मतलब परमिशन मांगोगे नहीं कि भाई अपनी बाइक दे दे, मेरे को अंदर आने दे, ये करने दे, वो करने दे, दोस्त है वो आपका, है ना। लेकिन हम परमिशन किससे मांगते हैं, जो हमारा सीनियर होता है, बड़ा होता है पोजीशन में, वो बड़ा होता है, या कोई हमारा एल्डर होता है, ओल्डर होता है, तो उसके उससे हम परमिशन मांगते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो आपका जो बर्ताव है वो अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में। तो इसीलिए इसीलिए मे का हम बेटर यूज का होगा। ठीक है, मे का यूज करते हैं हम, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हेन यू आस्क फॉर अ परमिशन यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, तो उस केस में मे वुड बी मोर सूटेबल। कैन आई कम इन सर, ये भी सही है और ये भी सही है, मे आई कम इन सर। ठीक है, इसको यहाँ पे काट दो क्योंकि सर आ गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, यू कैन लीव नाउ, अगर वहां पे होता यू कैन लीव नाउ सर या कैन आई कम इन सर, तो उस केस में आप मे का यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर आ गया है, तो कैन का यूज नहीं करोगे क्योंकि फॉर्मल बन गया है। सर का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गिव, है ना, टू योर सीनियर्स, तो उस केस में आप कैन का यूज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ सर आ गया, तो इसलिए इट इज रॉन्ग। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हेन यू आस्क परमिशन, ठीक है, तो उस केस में आप मे का यूज करो। ठीक है, और ये इंडिकेशन है कि ये जो रिक्वेस्ट है, जो परमिशन है, फॉर्मल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो गया, मना करना। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही मना है, जैसे आपने देखा होगा बस वगैरह में, मेट्रो वगैरह में गए होगे, तो वहां पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड और स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड, तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई निषेध है ना, धूम्रपान निषेध, ऐसे बोलते हैं ना, तो निषेध मतलब बिल्कुल मना, सख्त मना। ठीक है, तो अगर आपको किसी को मना करना है, सख्त मना करना है, तो कैन का यूज कर सकते हो, जैसे पैसेंजर्स नॉट स्मोक इनसाइड मेट्रो ट्रेन। देखो सूटेबल एग्जाम्पल ले लिया मैंने ना, कि भाई पैसेंजर्स जो होते हैं वो मेट्रो ट्रेन में क्या नहीं कर सकते, स्मोक नहीं कर सकते। ठीक है, तो सख्त मना है, सख्त। तो कैन नॉट से आप क्या बता सकते हो, क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोहिबिशन। ठीक है, यू कैन नॉट स्पीक इन दिस लाइब्रेरी, कि भाई इस लाइब्रेरी में तुम बात नहीं कर सकते, टोटली मना है, टोटली। ठीक है, तो इसलिए आप कैन का यूज यहाँ पे सूटेबल है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ऑर्डर और कमांड, यानी कि जब आप ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, तो कैन का यूज बहुत अच्छा होता है। जैसे वेन यू हैव हैड योर लंच यू कैन कम्प्लीट योर चोर्स, इसका मतलब क्या हो गया, जब तुम अपना वो कर लो, लंच कंप्लीट कर लो, खत्म कर लो, तो अपना क्या करना, अपने जो बाकी के काम है, चोर्स क्या होता है, बाकी के काम, उसको भी कर लेना। ये फ्यूचर में मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड, गिव मी अ मोमेंट, एक बार वहां पे ले जाना जरूरी है ताकि रिमाइंड करा सकूं। देखो ये मैंने बताया था फ्यूचर टाइम, कैन को, वैसे तो कैन जो है प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सेंटेंसेस बन जाते हैं जहां पे वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, कौन सा लगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल यूज हो रहा है, यू इंक्लूडिंग कैन, तो वहां पे फ्यूचर के फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, फ्यूचर के एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, कि अगर तुम, जब तुम अपना लंच कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने बाकी के काम को, जो बैकलॉग्स है तुम्हारे, उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह कमांड दिया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए, तो इस तरीके से कैन का यूज कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, वो पहले लंच करेगा तभी तो जाके वो काम करेगा, तो काम वो फ्यूचर का हो गया, तो इसलिए आप कैन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द आंसर ऑफ विच इज ईदर कैन नॉट और कैन, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी बन जाएंगे, मतलब अगर आपको किसी कुछ पूछना है, कैन का यूज करके पूछ सकते हो, तो उनके जो आंसर होंगे वो भी कैन नॉट या कांट होंगे। कैन नॉट से याद आया,
ये दो तरह के आपने वर्ड देखे होंगे, ये वाला देखा है या ये वाला देखा है, मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है, मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे को आंसर अभी तो मिलेगा नहीं। ये सही होता है, ये गलत होता है। आप कैन और नॉट को कभी भी अकेले, सॉरी, अलग अलग नहीं लिख सकते हो। सेपरेटली यू कैन नॉट राइट द टू वर्ड्स कैन एंड नॉट, ठीक है, साथ पे लिखना होता है कैन नॉट को, ध्यान रखना। वैसे तो आएगा नहीं, बहुत ही सिली एरर है, लेकिन फिर भी मेरे को याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो कैन दिस बी राइट, कैन दिस बी राइट, क्या ये सही हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये सही हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे जिसमें कैन क्वेश्चन फॉर्म में होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा, वहां पे आंसर भी कैन को ही लेके बनेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। तो कैन ही यूज करोगे एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट कैन नॉट बी राइट या इट कांट बी राइट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कैन के फॉर्म में पूछा है तो आंसर भी कैन में होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। कैन दिस बी राइट, क्या ये सही हो सकता है, इट कांट बी राइट, ये सही नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, टू मेक क्वेश्चंस, वही है, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने में ही काम आएंगे। जैसे आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज कर सकते हो, जैसे हु कैन डू दिस वर्क, ये काम कौन कर सकता है, तो कैन आप यूज कर लोगे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हो, रूल एक ही है सभी मॉडल वर्ब्स का, रूल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मॉडल वर्ब बच्चों को आसानी से आ जाती है, इंस्टेड ऑफ टेंसेज एंड नरेशन, है ना। टेंसेज और नरेशन में थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं रूल्स, अलग अलग रूल्स होते हैं हर एक किसके पार्ट्स के, हर एक टेंस के, तो इसलिए तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी मॉडल वर्ब में एक ही रूल है, वो एक रूल सभी मॉडल वर्ब पे अप्लाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू इंडिकेट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया, थ्योरेटिकल मतलब विच इज नॉट प्रैक्टिकल, है ना, जो थ्योरी थ्योरी में होता है, ठीक है, जो बेस्ड ऑन आइडियाज होता है या किसे होता है, जो थॉट्स होते हैं, नोशंस होते हैं, उस पर बेस होता है, उसे बोला जाता है थ्योरेटिकल, थ्योरी थ्योरी से बनाए वर्ड। तो मतलब पॉसिबिलिटी, बस ये ध्यान रखो, इतना इसमें डीप में मत पढ़ो, हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द बिगनिंग पॉसिबिलिटी को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, क्या कैन, जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, इसका मतलब क्या हो गया, देखो थियोरेटिकल का मतलब ये बेस्ड है आइडियाज पे, मतलब एवरीवन नोज इट, है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, चाहे दुनिया में कोई भी हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो गलती नहीं करता होगा, ठीक है। तो ये किससे यूज करा है? मैंने कैन का यूज करा है इसके लिए, बिकॉज इट अप्लाइज टू एवरीबडी, है ना। तो यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी विच एग्जिस्ट इन अ थ्योरी फॉर्म, इन अ थ्योरेटिकल मैनर, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे, ठीक है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए पूरी दुनिया में, कि वो भाई अपनी पूरी लाइफ में गलती नहीं करता, एवरीबडी कमिट्स मिस्टेक और मिस्टेक्स, है ना, सभी कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एवरीवन या एनीवन, ठीक है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई जानबूझ के अपना एक्सीडेंट नहीं कराता या इंसिडेंट नहीं होता किसी के साथ जानबूझ के, जो भी होता है अनइंटेंशनल होता है सबके लिए, है ना, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि भी एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, यानी कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी बता रहा है विच एग्जिस्ट, है ना, हर एक तरह की पॉसिबिलिटी होती है थ्योरी में। चलिए आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट, टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ पावर एंड अबिलिटी इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है यूजिंग कैन नॉट, जिसमें आप कोई स्ट्रेंथ को रिमूव कर रहे हो या पावर को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, या आप बता रहे हो पावरलेस, पावरलेस स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे द ब्लाइंड कैन नॉट सी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं दे कैन नॉट सी, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कैसे बना सकते हो, कैन नॉट का यूज करते हो, क्योंकि आपको क्या शो करना है, आपको एब्सेंस ऑफ पावर एंड अबिलिटी शो करना है। सो दिस इज अ गुड वे टू शो दीज काइंड ऑफ, टू रिप्रेजेंट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन ग्रामर, ठीक है, यूजिंग कैन नॉट। यू कैन नॉट लिफ्ट मी, तुम मुझे उठा नहीं सकते हो, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू लिफ्ट मी अप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप यू आर गेटिंग इट, बहुत सिंपल है, मॉडल वर्ब्स बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज इनमें क्या होते हैं, आपको सेंटेंसेस देखने होते हैं, यूजेस देखने होते हैं, सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं, बात खत्म, कोई एक्स्ट्रा रूल पढ़ना ही नहीं है, सेम रूल अप्लाइज टू ऑल मॉडल वर्ब्स। टू एक्सप्रेस फ्रेंडली रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई फ्रेंडली रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब आप रिक्वेस्ट मांग रहे हो लेकिन दोस्त से मांग रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर आप अपने दोस्त से सपोज करिए पैसे मांगते हो, तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं सर कैन आई कैन यू गिव मी सम मनी, ऐसे तो बोलोगे नहीं, है ना, बहुत पोलाइटली तो बोलोगे नहीं, ठीक है, फ्रेंड को फ्रेंड की तरीके से बोलोगे, है ना, कि भाई पैसे दे यार जरूरत है, इस तरीके से बोलते हो, तो वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट तो है, वो भी रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट नहीं है, बट इट इज अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट, है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई धमका के तुम अपने दोस्त से पैसे लोगे, रिक्वेस्ट होती है लेकिन फ्रेंडली होती है। सो फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग कैन, जैसे कैन यू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, मैं किसी से बोल रहा हूँ, अपने दोस्त से बोल रहा हूँ, क्या सुबह जल्दी उठा सकता है क्या मेरे को, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हो। कैन आई हैव अ सीट, क्या मैं सीट ले सकता हूँ, ठीक है,
अगर ये और फॉर्मल वे में करना है तो मैं लगा दो, मैं आई हैव अ सीट, या मैं सीट ले सकता हूँ या बैठ सकता हूँ सीट के ऊपर, कुछ भी, है ना। चलो नेक्स्ट, टू मीन समटाइम्स इन जनरल स्टेटमेंट्स, यानी कि कभी कभार, कैन का मतलब क्या होता है, समटाइम्स कभी कभी, जनरल स्टेटमेंट्स में। जनरल स्टेटमेंट्स क्या होती है, विच अप्लाइज टू एवरीबडी, विच इज यूनिवर्सल, है ना। तो जनरल स्टेटमेंट्स आर यूनिवर्सल इन फॉर्म, ठीक है। तो अगर कोई जनरल स्टेटमेंट है और उसमें आपको फील लाना है समटाइम्स का, कभी कभी का, तो आप कैन का यूज कर सकते हो। जैसे स्नेक बाइट कैन बी फैटल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि स्नेक बाइट कैन बी फैटल, जो स्नेक बाइट होता है, ठीक है, सांप काट लेता है, वो फैटल हो सकता है। फैटल मतलब डेडली, है ना। तो कभी कभार होता है, ऑल टाइम नहीं, है ना। तो कैन यही शो कर रहा है यहाँ पे, कि कैन का मतलब क्या है, समटाइम्स, ठीक है। ऐसे तो ये भी बोलते हैं कि भाई ज्यादा खाना खाने से ओबेसिटी हो जाती है, मैंने क्या बोल दिया, ओबेसिटी बोल दिया, सॉरी, मतलब हाँ हो जाती है, लेकिन कभी कभार किसी को नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत खाना पीता खाते हैं, उसके बावजूद भी मोटे नहीं होते हैं, तो वहां पे सूट करेगा कैन वाला यूज, ठीक है। वहां पे ये सूट नहीं करेगा कि भाई ईटिंग अ लॉट कैन मेक यू फैट, वो ये सूट नहीं, कैन मेक यू फैट सूट करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एवरी टाइम पॉसिबल, है ना। वो जो बात है, वो जो स्टेटमेंट है, वो जनरल है, एंड समटाइम्स इट अप्लाई, समटाइम्स इट डजेंट। तो यानी कोई ऐसा सिनेरियो आपको प्रेजेंट करना है जो हमेशा सही नहीं होता, लेकिन कभी कभार सही हो सकता है, तो उसमें आप कैन का यूज करोगे। जैसे स्मोकिंग कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, देखो बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे अपने लाइफ में कि भाई दबा के स्मोकिंग करते हैं और दबा के भागते हैं, ठीक है। फिजिकल भी क्लियर कर दिया है, स्मोकिंग कर रहे हैं और दिन में तीन चार 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 नहीं दस 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 बारह बारह कर रहे हैं, फिर भी दौड़ भाग रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह के लोग हैं, तो उन पे वो स्टेटमेंट लागू नहीं होगी कि भाई स्मोकिंग कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे कैन बिल्कुल सही सूट कर रहा है, बिकॉज मैं मानता हूँ कि भाई स्मोकिंग करना गलत है, बट कभी कभार क्या होता है कि भाई किसी को जल्दी हो जाता है कुछ, मतलब दे कैन बी डिजीज, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सूट है, सूटेबल है ना। आई होप मैंने आपको डे लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ कैन एंड पॉसिबल इंडिकेट पॉसिबिलिटी एंड दे शुड नॉट बी यूज टूगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो कैन होता है वो भी पॉसिबिलिटी शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं नहा सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, सो सकता हूँ, और जो स्नेक बाइट है वो फैटल हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी भी दिखाता है, ठीक है। तो पॉसिबल भी आपको पता है एक तरह का वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, मतलब दोनों जो है इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोनों को एक साथ यूज कर दो, यानी कि ये दो वर्ड कभी सेंटेंस में साथ में नहीं आएंगे। जैसे इट कैन बी पॉसिबल फॉर यू टू एस द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैन भी आ गया है, पॉसिबल भी आ गया। एलिमिनेट ईदर ऑफ देम, ठीक है, किसी को भी एलिमिनेट करो, ठीक है, और सेंटेंस बनाओ यूजिंग ओनली वन वर्ड फ्रॉम दीज टू वर्ड्स। जैसे इट इज पॉसिबल फॉर यू टू एस द एग्जाम, ये भी सही है, या यू कैन एस द एग्जाम, ये भी सही है। यानी कि कैन और पॉसिबल किसी भी स्टेटमेंट में साथ में नहीं आने चाहिए, बिकॉज दोनों का मतलब सेम सेम होता है। चलो नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ बी एबल टू, बी एबल टू का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं किसी चीज के सक्षम होना या योग्य होना, है ना। तो उस केस में आप कैन का यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना है कि भाई मैं इस पेन से लिख सकता हूँ, ठीक है, और कोई बन नहीं रहा था, इमीडिएटली मेरे को यही बना गया बनाना पड़ा, बिकॉज ज्यादा देर चुप रहना भी सही नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं इस पेन से लिख सकता हूँ, तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, आई एम एबल टू राइट यूजिंग दिस पेन ऑन द बोर्ड, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई ऐसे ही बोल सकता हूँ, आई कैन राइट यूजिंग दिस पेन ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो कैन भी यूज कर सकता हूँ और बी एबल का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही है, दोनों इंटरचेंजेबल है। तो क्या कह रहा है, ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क प्रेजेंटली, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये। अच्छा यहाँ पे ये बताइए प्रेजेंटली का मतलब क्या है। अगर आपको लग रहा है ना इसका प्रेजेंटली का मतलब ये है, इन अ प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, तो ये गलत है। यहाँ पे प्रेजेंटली का मतलब है शॉर्टली, मैंने इसलिए बता दिया, आई थॉट कि भाई यू वुड नॉट नो अबाउट इट, ठीक है। प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो ये काम कर पाएगा या कर लेगा, ये करने योग्य होगा, होगा क्यों, क्योंकि विल है, फ्यूचर की बात है, ठीक है। शॉर्टली मतलब जल्द ही, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ही कैन डू दिस वर्क प्रेजेंटली, है ना, कि भाई वो ये काम कर सकता है जल्द ही, ठीक है। तो यानी कि बी एबल टू और कैन के सेंटेंसेस सेम बन सकते हैं। आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच, इसका मतलब क्या हो गया, आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। ही विल नॉट बी एबल टू रीच ऑफिस टूडे, कि भाई इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे ये भी हो सकता है, ही कैन नॉट रीच ऑफिस टूडे, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वह जो है आज ऑफिस नहीं आ पाएगा, है ना, या नहीं आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, और कैन ये बी एबल टू
और कैन, दोनों क्या होते हैं, सेम सेम सेंटेंसेस में मतलब होता है इनका, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई थिंक कैन के यूजेस कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे मैंने कैन के यूजेस करा दिए, इससे बाहर बाहर आ ही नहीं सकते हैं। आई एम श्योरली, मैं सॉरी, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो मैं पूरी कंफर्मेशन देता हूँ कि भाई इससे बाहर आपको कैन का यूज नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्स में कैन मतलब ये मॉडल वर्क के बहुत सारे यूजेस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरर्स एंड सम पैराजम्बल्स ऑल्सो, है ना। तो ये जो है आपको करने बहुत जरूरी है। तो आज जो है हमने कैन कंप्लीट कर दिया है, और जितने भी यूज करें हैं कैन के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी लीव मत करना, कोई भी छोड़ना मत। और नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुड, है ना। कुड क्यों करेंगे, बिकॉज कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कुड, कुड के यूजेस देखेंगे, एंड धीरे धीरे हम फिर मॉडल वर्ब को भी कंप्लीट करेंगे। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, डू द सेम, बी केयरफुल, हैव फन एंड डू व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।